गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी चेंजेस जो होते हैं, फेरफार, मतलब जो भी चेंजेस जो होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। What fun would be, क्या फन होगा, if you have suddenly get some magical power to change things around you, आपको magical power मिल जाए कुछ चीज़ें change करने का, तो कैसा फन होगा। What are the things you would want to change, आप कैसे कैसे सबको change करना चाहोगे। But it is impossible, ये impossible होगा, पर यहाँ पर लिखा है सिर्फ, but ऐसा कोई magical power होता नहीं है। So here you can see some pictures, like in first picture at here, तो किसी ने अपना घर बादलों के ऊपर ले गया कोई magical power की मदद से। यहाँ पर किसी ने अपनी nose को लंबा कर दिया। ये third वाले figure में यहाँ पर देख रहे हो कोई अपनी खटिया लेके हवा में उड़ रहा है। यहाँ पे क्या मालूम पेंसिल और पेन के बीच चॉकलेट लगाई, आई डोंट नो। एंड देन यहाँ पे कोई राजा बन के बैठ गया। सो मैजिकल पावर मिल जाए तो ऐसी सब डिफरेंट डिफरेंट थिंग हो सकती है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। हमारे पास ऐसा कोई पावर नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, लेकिन भी हम हमारे आसपास की थोड़ी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, पर ऐसा जादू नहीं कर सकते हम। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व, विदाउट मैजिक के आप अपने आसपास को चीज़ को चेंज कर सकते हो, तो हाँ हम उसके बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत। So many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops change from time to time. In the fields, खेतों में crops जो होता है, पाक जो होता है, crops, छोटे जो little plants जो होते हैं, change from time to time. Time to time change होते हैं, छोटे से बड़े बड़े होते रहेंगे, फिर उसके अंदर धान उगेगा। मतलब ये change एक type का है, जैसे हमारे hair बढ़ना, grow of hair and nails, हमारे nails भी बढ़ते हैं, इट इज ऑल्सो चेंज। सो समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, पेड़ पे से पत्तों का गिरना, चेंज कलर एंड ड्राई आउट, और उसका कलर ग्रीन में से येलो हो जाना। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विंटर अवे, फ्लावर गिरना एंड देन विंटर अवे, उसके बाद में सॉरी द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वाइदर अवे, आसपास फैल जाना, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी मेरी, विंटर जैसा लगा। सो द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वाइदर अवे, फ्लावर्स गिर के फैल जाना। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपकी बॉडी में भी कोई चेंजेस होते हैं, लाइक योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रो, आपके नाखूनों का बढ़ना, योर हेयर ग्रो, आपके हेयर उगना। कितनी बार भी कटाओगे आप हेयर, फिर भी हेयर आ जाएंगे, नेल भी काटोगे फिर आ जाएंगे। सो यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेस एज यू ग्रो, आप भी आपकी हाइट भी बढ़ना एंड योर वेट इंक्रीजिंग एज यू ग्रो, जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका वेट भी बढ़ता जाता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सी चेंज डेली लाइफ में होते रहते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर, क्या ऐसे चेंजेस को हम एक साथ ग्रुप में लिख सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, तो हम ऐसे चेंजेस को कैसे ग्रुप में बांट सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ यू फाइंड सम सिमिलर बिटवीन देम, उसके अंदर कोई सिमिलरिटी होगी तो हम उसको ग्रुप में लिख सकते हैं। तो हम दो तरह के चेंजेस के बारे में लेसन में सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट वन रिवर्सिबल चेंजेस एंड सेकंड वन इरिवर्सिबल चेंजेस, मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो हम उसके बारे में देखेंगे। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या जितने भी चेंजेस होते वो रिवर्स्ड होते, मतलब वापिस जो चीज़
जैसे नाखून बढ़ के नाखून हमारे बढ़ गए, फिर वापस नाखून अंदर जा सकते हैं? तो नो, तो इट इज़ इरिवर्सिबल। सो सब चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। सो फॉर फाइंडिंग दिस वी टेक एक्टिविटी। सो एक्टिविटी वन, टेक अ बलून एंड ब्लो इट। बलून को लो और उसको ब्लो इट, मतलब उसको फुलाओ। टेक केयर दैट इट डज नॉट ब्रस्ट, मतलब वो फूट ना जाए, उसका आपको ध्यान देना है। सो पहले बलून पड़ा था, छोटा सा ही था, फिर उसके अंदर एयर भरने के बाद उसका शेप एंड साइज ऑफ बलून हैव चेंज्ड, वो सब चेंज हो गया। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। सो इसमें आप देख सकते हो, तो बलून के अंदर एयर डाली हमने, फिर बलून में से एयर निकाल देंगे तो बलून जैसा था वैसा हो जाएगा, फिर एयर डालेंगे तो बलून बड़ा हो जाएगा, फिर एयर निकाल देंगे बलून छोटा हो जाएगा। मतलब इट इज़ रिवर्सिबल चेंजेस। सो ब्लोइंग बलून इज़ अ रिवर्सिबल चेंजेस। एज इट इज़ टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। पेपर लेना है और 6.2 फिगर के जैसे उसको फोल्ड करना है। यू हैव चेंज्ड द सीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन, तो ये पेपर में से खिलौने का एरोप्लेन बन जाएगा। यू मे हैव लॉस ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, आप ऐसे प्लेन छोटे हो अभी उड़ाते भी होगे। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, थक जाने के बाद अनफोल्ड द पेपर अगेन, पेपर को फिर खोल दो। मतलब ऐसा एक पेपर लिया, बलून बनाया, फिर पेपर को खोल दिया। सो कहने की बात यह है, हमको बलून उड़ाने की बात यहाँ पे नहीं है, बट इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। हमको ये देखना है कि पेपर में से बलून, बलून में से पेपर, पेपर में से फिर बलून, फिर बलून में से फिर पेपर हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। सो इट इज़ अ रिवर्सिबल सॉफ्ट रिवर्सिबल चेंजेस। देन एक्टिविटी 3, टेक सम डफ एंड मेक अ बॉल। गूंदा हुआ आटा लो और उसमें से बॉल बनाओ। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, रोटी बनाने का ट्राई करो। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप, आपको उसका शेप पसंद नहीं आया। एंड विश टू चेंज इट बैक इन टू बॉल ऑफ डफ अगेन, फिर उसमें से फिर वो डफ हो, डफ उसमें से बॉल ऑफ डफ, जैसे हम गोल गोल बनाते हैं वो गुल्ला, ऐसे आप उसको फिर बना दो, फिर से बनाए, फिर पसंद नहीं है फिर बना दो, तो ऐसे बार बार आप कर सकते हो। सो इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। सो नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 and 3। वॉट डू हैव इन कॉमन, तो इस तीनों में आपको कॉमन क्या लग? वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इस ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्या बलून की ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस ला सकते हैं? यस ऑफकोर्स। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, एरोप्लेन बनाने के पहले, एरोप्लेन बनाने के बाद पेपर की साइज सेम थी? यस। वॉट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल डफ अगेन, तो क्या बॉल डफ, बॉल ऑफ डफ में से वापस डफ बना सकते हैं? यस। सो तीनों जो एक्टिविटी हमने देखी है, ऑल थ्री एक्टिविटीज़ आर रिवर्सिबल एक्टिविटी। नाउ व्हाट डू यू कंक्लूड, तो आपने क्या इसमें से कंक्लूड किया? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल, इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी में इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी, तो हम वापस मटेरियल पे पहुंच सकते हैं जो एक्टिविटी हमने की थी वहां पहुंच सकते हैं? यस। इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्ट, मतलब ये जितनी भी एक्टिविटीज उसके अंदर चेंजेस रिवर्ट हो सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद अ डिफरेंस के साथ दूसरी एक्टिविटी हम करें। एक्टिविटी 4, तो वो 3 एक्टिविटी थोड़ी डिफरेंस, ये 3 थिंग्स वही लेनी है पर थोड़ी एक्टिविटी डिफरेंस है। टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली, बलून को ब्लो करके फिर उसको स्ट्रिंग दोरी से उसको टाइटली बांधना है। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, आपकी पेंसिल की जो पॉइंटेड टिप जो है उससे उसको टच कराना है, तो वो ऑफ इट ब्रस्ट वो फूट जाएगा, और फूटने के बाद वापिस आप ब्लो कर सकते हो? नो। सो बलून को हवा भर के फिर उसको अगर फोड़ देंगे, सो इट कैन नॉट ब्लो अगेन,
मतलब इट इज़ ई रिवर्सिबल चैन। तो ये क्या हो गया, ई रिवर्सिबल चैन। एज इट इज़ इन एक्टिविटी नंबर 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में लिया था वही पेपर लो, ड्रॉ एन एरोप्लेन, उसके ऊपर एरोप्लेन ड्रॉ करो एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन, उसकी आउटलाइन से उसको काट दो जैसे फिगर में दिखाया हुआ है वैसे। फिर क्या हम ऐसे जैसे ही पेपर पहले था ऐसा बना सकते हैं? नो, अभी ये चैन ई रिवर्सिबल चैन हो गया। नाउ एक्टिविटी सी, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डप अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा, तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर उसको रखो। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन, तो तवे पे रखने के बाद ये रोटी बन जाएगी और रोटी बनने के बाद उसमें से वापिस डप मतलब आटा, गुंदा हुआ आटा हम नहीं बना सकते हैं। सो सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विद योर आंसर आफ्टर एक्टिविटी 3, वॉट वुड योर आंसर बी नाउ, आपके आंसर क्या होगे? सो वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 वी कैन बी ऑब्जर्व, सॉरी इट कैन नॉट बी रिवर्स, तो ये रिवर्स नहीं हो सकते हैं। सो यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर विद रिपीटेड यूज़, आप अपनी पेंसिल और इरेजर को भी डेली यूज़ करते हो, द शेप एंड साइज चेंज, वो छोटी होती जाती है, इरेजर भी छोटा होता है, पेंसिल भी धीरे धीरे लिखने के बाद छिलने के बाद छोटी हो जाती है। सो कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम ये चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नो, सो यूज़ ऑफ पेंसिल एंड इरेजर इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंजेस। तो हम आज ये 2 पेज देखेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, 1, 2, 3 पेज। ओके, तो आपको ये जितना भी चलाया है यहाँ तक, आपको रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से लर्न करना है, और वर्कबुक में आप जितना फिलअप कर पाओ वो आप करना, बट सब करेक्ट होना चाहिए और विथ अ गुड राइटिंग, अच्छी राइटिंग से आपको वर्कबुक में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अच्छे राइटिंग से नहीं लिखते हैं, सो डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिसबिहेव विथ अ वर्कबुक। तो वर्कबुक के साथ ऐसा मिसबिहेव मत करो और गुड राइटिंग से आप लिखो। ओके, ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच।